नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर के पौधे को कैसे लगाना चाहिए कि हमें ढेर सारे फल अपने गमलों में टमाटर के पौधों में मिले। इसमें मैं आपको बताऊंगा छोटे पौधे से उनकी सीडलिंग्स जो लगाई जाती है उन्हें ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या केयर करनी चाहिए, कौन सी कंपोस्ट किस टाइम पर देनी चाहिए, तो सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर जो फ्रूटिंग प्लांट है, जब फ्रूटिंग के टाइम पर इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टमाटर के पौधे की। अगर आप सीडलिंग्स लगाते हैं तो सीडलिंग्स लगाने के बाद करीब करीब 20 से 25 दिन बाद पौधा ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होता है। एक बार ट्रांसप्लांट जब आपको करना है तो उसके लिए जो आपको ज़रूरी चीज़ें ध्यान देने वाली, वो अगर आप सिंगल सिंगल पॉट में लगाते हैं तो आप कम से कम 12x12 इंच का पॉट लीजिए या ग्रो बैग लीजिए, जिसमें आप टमाटर के पौधे को एक पौधा उसमें लगाइए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैं अभी आपको अंतर भी दिखाता हूँ कि अगर आप छोटे पौधे पॉट में लगाते हैं और बड़े पॉट में लगाते हैं तो क्या अंतर आएगा उसमें। मैंने चूँकि दोनों मैंने लगा रखा है तो मैं आपको वीडियो में आगे वो भी दिखाऊँगा। तो पहली चीज़ कि आपको पॉट सिलेक्शन जो करना है वो कम से कम 12x12 इंच का होना चाहिए, या फिर इस तरह से आप देखिए रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, इसकी जो गहराई है वो 1 फुट है और चौड़ाई 3 फुट, लंबाई 6 फुट है, तो आप 1-1 फुट के डिस्टेंस में पौधे लगा सकते हैं। टमाटर के काफ़ी अच्छे इसमें ग्रो होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बांस की डंडियाँ लगी हुई हैं, तो टमाटर का पौधा थोड़ा नाजुक होता है, जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो नाजुक होता है, जब उसमें फूल और फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं, तो उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। आप इस तरह से बाँस या लकड़ी का किसी भी चीज़ का सपोर्ट लगा के उन्हें सहारा दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें रस्सी की मदद से बांध के ऊपर, अगर आपको कुछ बांधने की जगह है तो उन्हें बांध के ऊपर से भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें सपोर्ट देना ज़रूरी है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, जब टमाटर का पौधा हमने लगा लिया है, सीडलिंग से तैयार हुआ पौधा जब हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, तो ट्रांसप्लांट करते टाइम आपको कोई कंपोस्ट नहीं देनी है। ट्रांसप्लांट करने के कम से कम 10 से 15 दिन बाद आपको लिक्विड कंपोस्ट देनी है, जो कि काउडंग मैन्योर से या फिर उपले से बनी हुई खाद होती है। जो लिक्विड कंपोस्ट हम बनाते हैं उसका चैनल वीडियो पे अपलोड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हम उसे देंगे और उसके बाद जब पौधा हमारा करीब 1 से 1.5 फीट का हो जाए, इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं, इसके बाद हम इसमें देंगे जो है गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं वो। इसके अलावा अभी हमें इसमें कुछ और नहीं देना है। साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब पौधा नई ग्रोथ पे होती है तो इसमें कुछ पेस्ट अटैक आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पत्ते कुछ कीड़े खा रहे हैं, तो इस तरह से अगर पेस्ट अटैक आपके पौधों पर भी आ रहा है तो इसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप राख का स्प्रिंकल कीजिए पत्तों पर जिससे ये पेस्ट जो है उससे उसका निवारण हो जाता है, या फिर आप नीम ऑयल का या किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए जिससे कि पेस्ट का अटैक ज़्यादा ना हो आपके पौधे पे। अगर इस तरह से देखिए पेस्ट अटैक होगा तो पौधे कमज़ोर होंगे, क्योंकि जो ये पत्तियां तो खा ही रहे, जो इसमें फल फूल बनते हैं ना पेस्ट, उनको भी जो कीड़े मकोड़े वो खा जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, ये देखिए जो फूल बन रहा है इसमें, इस फूल को भी इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको इस प्रकार से दिख रहा है, और नहीं भी दिख रहा है, तो नीम ऑयल का स्प्रे आप 10 हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर कर लें, जिससे कि ये प्रिवेंटिव मेथड हो जाता है कि अगर नहीं है तो अच्छी है, और है तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद पौधा जब आपका बड़ा हो जाए, 2-2.5 फुट से ऊपर हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए, तब उसमें आपको कंपोस्टिंग करनी है फल को लेने के लिए। वो फल मैच्योर होंगे, फुल मैच्योर होंगे और उसमें फल बनेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारे फल इस पौधे में लगे हुए हैं। तो इतने ढेर सारे फल टमाटर बनने हों तो जब पौधा आपका फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने लग जाए काफ़ी अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में, लेकिन एक चीज़ मेरे से मिस हो गई, मैं वो आपको फिर से बता दूं, तो वो है दोस्तों, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं ना, तो इसमें नीचे से जो सकर्स निकलती हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना है, और नीचे की जो पत्तियाँ हैं उन्हें भी आपको रिमूव कर देना है, जिससे क्या होता है ना दोस्तों कि जो पौधे की एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ लगती है। नीचे ये सकर्स जो होते हैं इनमें बहुत ही छोटे फल आते हैं और काफ़ी देर से आते हैं, आते भी नहीं हैं, तो सकर्स और नीचे की जो पत्तियां हैं पौधों की इन्हें आप रिमूव कर देंगे,
तो एक तो जो मिट्टी है आपको काफी अच्छे से क्लियर विजुअल होगी, इसमें कंपोस्टिंग करना काफी आसान होगा, साथ में कोई जो नीचे की पत्तियां वो मिट्टी में नहीं टच होंगी, तो इसमें कोई फंगस या कोई बीमारी भी मिट्टी से नहीं आएगी। और ऊपर से जो पौधा बढ़ेगा और वहां ऊपर से भूसी होगा, तो उसमें जो फल साइज होगी वो भी काफी अच्छी साइज में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी पौधे आपके हैं सभी के सकर्स जो हैं उन्हें हटाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है टमाटर के पौधे के लिए। तो इन्हें आप हटा दीजिए और हटाने के बाद मिट्टी की आप गुड़ाई भी कर सकते हैं और इसमें कंपोस्टिंग काफी अच्छे से की जा सकती है। तो जितने भी पौधे आपके सभी के इस प्रकार से सकर्स को हटा लेना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमने सभी सकर्स को नीचे से हटा दिया है, आपको पूरी विजुअल होगी, मिट्टी आराम से दिखाई देगी, इसमें आप कंपोस्टिंग भी अच्छे से कर सकते हैं और साथ में मिट्टी की गुड़ाई और जो उसमें खरपतवार है उसे भी अच्छे से निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी काम है। तो देखिए ये सारे पत्ते और ये जो पत्ते निकल रहे हैं इसे हम अपने जो कंपोस्ट बिन है उसमें डाल देंगे, काफी अच्छे से कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगी। अब दोस्तों जब हमारा पौधा इस प्रकार से फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाता है तो हमें इसमें जो कंपोस्ट देनी है वो होती है, आप बनाना पिल फर्टिलाइजर दीजिए, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर दीजिए, और इसमें जो हमें जो भी कंपोस्टिंग करनी है हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देने के लिए। इसके लिए जो अभी हमने हाल ही में बनाई थी कंपोस्ट, जो ऑनियन पिल, पोटैटो पिल और बनाना पिल से बनाई तैयार की हुई है, इस कंपोस्ट को हम यूज करेंगे और साथ में इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी मात्रा में रॉक फॉस्फेट, जो कि हमारे पौधों में फल को बढ़ाने में और उसकी साइज को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होगी। तो ये देखिए हम एक पॉट के लिए बना रहे हैं, इसको हमने एक पॉट में देना है, कैसे देना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा पौधा लगा हुआ है, और मैं जो आपको पेस्ट अटैक की बात करता हूँ, देखिए फल लगा हुआ है इसमें भी ये कीड़े लग रहे हैं, तो इनको जो है पेस्ट अटैक के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें टाइम से स्प्रे करते रहें जिससे कि ये जो डिजीज है पेस्ट है वो कंट्रोल में आ जाए। तो ये देखिए जो हमारा गमला है जिसमें पौधा लगा हुआ है इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे और हल्की गुड़ाई करेंगे, ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ऊपर की मिट्टी को ढीली कर लेनी है और ये जो कंपोस्ट हमने रेडी किया हुआ है बनाना पील, ऑनियन पील और पोटैटो पील साथ में रॉक फॉस्फेट, ये चारों चीज़ों का मिश्रण जो हमने रेडी किया हुआ है इसको हम इसमें डाल लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है कि इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ वीडियो का लिंक है, साथ में राइट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं इस कंपोस्ट को कैसे बनाना है। तो इस प्रकार से हमने इसको मिट्टी में मिक्स कर लिया और इसमें हम अब वाटर ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाऊँ ये पुराना पौधा जिसमें फल लग रहे हैं, आप इसकी देख सकते हैं नीचे से हमने किसी भी सकर्स को या जो पत्तियां इनको छोड़ा नहीं है, सबको हमने रिमूव किया हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे फल आपको टमाटर के देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी साइज में भी, टमाटर की साइज भी काफ़ी अच्छी हमें इसमें मिल रही है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमें केयर करनी है, अब मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ। ये पौधा आप देखिए जो कि मेरे ग्रो बैग में लगा हुआ है और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये छोटे से पॉट में, ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें भी टमाटर तो आ रहे हैं बन रहे हैं, पर इसकी साइज में और उसकी साइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस टमाटर की साइज की डिफरेंस और इसमें फल भी कम मात्रा में आ रहे हैं, फल तो आ रहे हैं पर इसकी फल की मात्रा भी कम है और साइज इसकी काफ़ी छोटी है अकॉर्डिंग टू दिस टमाटर। इसमें पॉट साइज अगर हमने बड़ा दे रखा है, मिट्टी काफ़ी भरपूर मात्रा में पौधे को मिल रही है, तो उसमें जो फल की साइज है वो काफ़ी अच्छी और संख्या भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें मिलती है। इसलिए अगर आपने छोटे पॉट में लगाया तो उसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए और ढेर सारे फल आपको भी इस तरह से आपके टमाटर के पौधे में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।